गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी ने फिर से भाई शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। गौतम बुद्ध नगर मायावती का गृह जनपद है, इसीलिए गठबंधन के हिस्से में ये सीट बसपा को गई और संत कबीर सतबीर नागर को टिकट मिला है। कांग्रेस ने यहां से युवा उम्मीदवार और बीजेपी नेता ठाकुर जयवीर सिंह के बेटे अरविंद सिंह चौहान पर दाव खेला है। गौतम बुद्ध नगर ऐसे तो बीजेपी के लिए पूरे प्रदेश में सबसे सेफ सीट में से एक मानी जाती है, लेकिन क्या 2019 में ऐसा होगा? आइए जानते अपने पैनल से। अशित जी, जी एकदम, देखिए दिल्ली से सटा हुआ ये दूसरा हाई प्रोफाइल सीट है, नोएडा की सीट है, गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं नोएडा, इसमें नोएडा विधानसभा है और बाकी ग्रामीण। ये गाजियाबाद से कुछ अलग इसलिए है कि इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पड़ता है, खासतौर पर जो खुर्जा, दादरी, जेवर और सिकंदराबाद जैसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो ग्रामीण है। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का भी ये टकराव है। जातीय समीकरण यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कह सकते हैं गाजियाबाद के मुकाबले। तो हमारा जो आंकलन है नोएडा को लेकर, चूंकि नोएडा में जो शहरी इलाके हैं वहाँ वोट बहुत पड़े हैं, खासतौर पर नोएडा शहर जो है वहाँ इस बार लगभग 75,000 से ज़्यादा मतदान 2014 के मुकाबले हुआ है। इसी तरीके से जो जो दादरी का इलाका है जिसमें ग्रेटर नोएडा आता है, ये भी वो जगह है जहाँ 5 साल में बड़ी संख्या में आबादी बढ़ी है। ये वो क्षेत्र हैं जो जहाँ पर सोसाइटीज़ हैं और ये वोट कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट है, ऐसे में बीजेपी को चांसेस हैं। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखिए, जैसा आपने सही कहा सृष्टि की, ये जो क्षेत्र है मायावती का खुद का अपना गांव इसमें पड़ता है, मायावती के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, इसलिए उन्होंने यहां पर जातीय समीकरण बहुत अच्छे से बनाया था। एक गुजर को उन्होंने, चूंकि गुजर काफ़ी बड़ी संख्या में सीट पर हैं, गुजर उम्मीदवार दिया है, ऐसे में एक जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की। हमारा अपना आंकलन न्यूज़ वन इंडिया का ये है नोएडा को लेकर, गौतम बुद्ध नगर को, कि ये सीट टक्कर में है। इस सीट को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये सीट किधर भी जा सकती है। महेश शर्मा के पास एडवांटेज ये है कि शहरी इलाके का वोट उनके पास है, मगर जातीय समीकरण कहीं ना कहीं बीएसपी ने फंसा दिया है। संजय जी, पहली आपकी प्रतिक्रिया, नोएडा हमारे हिसाब से एक फंसी हुई सीट है। नोएडा फंसी हुई है, यहाँ पर कड़ी टक्कर है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी सृष्टि ने और आपने भी बताया कि यहाँ पर जो मायावती का जो इलाका है, गाँव है पूरा, वो उन्होंने पूरी नाकेबंदी एक तरह से की थी कि ये सीट, ये मंत्री हैं चूंकि केंद्र सरकार में और कद्दावर मंत्री रहे हैं, तो इनको हराना एक उन्होंने प्रतिष्ठा का अपना प्रश्न बना लिया था। लेकिन महेश शर्मा ने भी पूरा दम झोंका हुआ है। असित जी, आप देखिए, महेश शर्मा भी इसे चूकना नहीं चाहते, एकदम महेश शर्मा लड़ाई में पूरी तरीके से, पूरी लड़ाई में है और ये इस पर बाकी कुछ कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन लड़ाई है, ये कांटे की लड़ाई है। सुमित जी क्या आपको लगता है, चूंकि देखने में ये लगता है कि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, शहरी क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी के लिए एडवांटेज होगा, मगर हकीकत यह है कि कांटे की टक्कर है। यहाँ जो दलित, मुस्लिम, गुजर और जो महागठबंधन का वोट है ग्रामीण इलाकों में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सतवीर नागर को पड़ा है। देखिए आशीष जी, अगर आप नोएडा की बात करें, महेश शर्मा जी का जो वर्चस्व है काफी ऊंचा है जी, उनका परफॉर्मेंस काफी ऊंचा है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस जाति समीकरण अच्छी है, और जहां तक मेरा आकलन कहता है गुजर समाज ने भी अब की बार महेश शर्मा की तरफ रुक कर चुके हैं जी, क्योंकि वो जो मोदी फैक्टर यहाँ इतना स्ट्रांग है और उसमें महेश शर्मा जी का फैक्टर जुड़ जाता है, तो एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसको केवल आप जाति समीकरण से नहीं काट पाएंगे। एकदम सही, कुछ मायने में सही बात है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये सीट फंसी हुई है। आपका मैं हिमांशु जी आपका मत जानना चाहूंगा, नोएडा हमारे हिसाब से एक फंसी हुई सीट है। बिल्कुल फंसी हुई सीट है। देखिए, इसमें जो ग्रामीण वर्सेस जो शहर वाला है वो उसकी लड़ाई है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो वोट जो गिरा है वो सतबीर नागर जी के पक्ष में मेजोरिटी गिरा है, और अगर आप शहरी इलाकों की बात करें तो वही 75% वोट, 80% वोट वो जो है महेश शर्मा जी के पास आया, तो बहुत ज्यादा कटे की टक्कर है, और देखने वाला बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से महेश शर्मा अपनी सीट को बचाते हैं। एंटी इनकंबेंसी, एंटी इनकंबेंसी क्या मिनिस्टर के खिलाफ थी? आप लोग जल्दी जल्दी एक लाइन में। और कुछ गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम लोकल काम को लेकर के नाराजगी थी कि इन्होंने एक सांसद के तौर पे जो है काम ठीक से नहीं किया अपना, और अपना दायित्व नहीं निभाया, थोड़ा बहुत था। तो सृष्टि, है जो दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा की सीट है, हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं ये फंसी हुई सीट है, कांटे की टक्कर है, यहाँ जो समीकरण है बहुत उलझे हुए हैं।